नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लोकप्रिय टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अदाकारा मुनमुन दत्ता ने अपने खिलाफ पिछले कुछ दिनों से चल रही ट्रोलिंग को लेकर मीडिया और दर्शकों की कड़ी आलोचना की है। मुनमुन ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट में लिखा कि उन्हें अपने दर्शकों से काफी बेहतर की उम्मीद थी और उन्हें खुद को भारत की बेटी कहने में शर्म आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें, बबीता जी का मशहूर किरदार निभाने वाली दत्ता और उनके साथ सह कलाकार टप्पू का किरदार निभाने वाले राज अंतकट के बीच अफेयर की बातें पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कई मीडिया वेबसाइट पर भी ऐसी खबरें छप रही हैं। कई लोग इसे लेकर आपत्तिजनक बातें और मीम शेयर कर रहे हैं और मुनमुन दत्ता को ट्रोल कर रहे हैं। इनसे परेशान होकर दत्ता ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा, आम लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपसे मुझे बहुत बेहतर की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह की बेहुदा बातें आपने कमेंट सेक्शन में लिखी है, यहाँ तक कि कुछ पढ़े लिखे लोगों ने भी दिखा दिया कि हम कितनी पिछड़ी सोसाइटी में रहते हैं। मुनमुन दत्ता ने अपनी पोस्ट में लिखा कि महिलाओं को उम्र, शरीर, माँ बनने को लेकर शर्मिंदा करना सिर्फ आपके मजाक के लिए, आपका मजाक किसी को मानसिक रूप से तोड़ देता है, इसकी आपको फिक्र नहीं। 13 साल से मैं लोगों का मनोरंजन कर रही हूँ और मेरी गरिमा तो खत्म करने में आपको 13 मिनट भी नहीं लगे। उन्होंने लिखा कि अगर कोई डिप्रेशन में आकर अपनी जान ले ले तो रुक कर सोचिएगा कि कहीं आपकी बातों के कारण वो उस फैसले तक तो नहीं पहुँचा। आज मुझे खुद को भारत की बेटी कहने में शर्म आ रही है। एक दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि किसी ने मीडिया को यह अधिकार नहीं दिया है कि वो काल्पनिक और खुद से बनाई हुई खबर किसी के नाम से या किसी की निजी जिंदगी के बारे में छापे। टप्पू का किरदार निभाने वाले राज अंतकट ने भी इस मामले पर एक बयान अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, जो लोग लगातार मेरे बारे में लिख रहे हैं वो इस बारे में भी सोचे कि आपकी मनगढ़ंत कहानियाँ जो कि मेरे बारे में बिना इजाजत मेरे कैसे लिखी जा रही है, उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। मैं सभी क्रिएटिव लोगों से कहूँगा कि अपनी क्रिएटिविटी कहीं और लगाएं, जिससे आपको मदद मिलेगी। भगवान उनकी रक्षा करे और उन्हें सद्बुद्धि दे। मुनमुन दत्ता की पोस्ट पर कई लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया। टॉक शो होस्ट नयनदीप रक्षित के लिए सही कहा, मीडिया और लोगों को शर्म आनी चाहिए, मैं भी इसी का हिस्सा हूँ और मैं इसे अपने ऊपर भी लेता हूँ, मुझे खुद को पत्रकार कहते हुए शर्म आ रही है। हालांकि कई लोगों ने इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए दत्ता की आलोचना भी की। कुछ समय पहले मुनमुन दत्ता एक और विवाद में फंस गई थी, जब उन्होंने एक वीडियो में कथित तौर पर किसी एक समुदाय से जुड़े अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस मामले में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। बाद में दत्ता ने वीडियो हटा दिया और माफी मांगते हुए कहा था कि भाषा की कम समझ के कारण उनसे गलती हुई थी। हालांकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से वह पोस्ट कुछ समय बाद डिलीट कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। We'll be right back.